नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सुनेंगे तो झूम उठेंगे। जी हां, योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है और एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जी हां, राम मंदिर को बनाने में एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि दुश्मन क्या नासा भी नहीं पता कर पाएगा कि राम मंदिर कहाँ बन रहा है। जी हाँ, रामलला की लोकेशन को कोई नहीं पता कर पाएगा। तो दोस्तों, ऐसी क्या व्यवस्था की जा रही है हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, और ये भी बताएंगे कि राम मंदिर का काम कब तक चालू होगा। और दोस्तों, आप जो रामनवमी पर मेला लगने वाला है, क्या उसी डेट पर मेला लगेगा या डेट खिसक जाएगी? जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है पूरे देश में। जी हाँ, सभी परेशान हैं दोस्तों, विषम परिस्थितियां बनी हुई है और उसी बीच ये सारे काम करने हैं। तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। और दोस्तों, कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, ये जानकारी सभी तक पहुँचनी चाहिए। दोस्तों देखिए, न्यूज में जानकारी पब्लिश किया गया है, अयोध्या गूगल मैप में अदृश्य रहेगी रामलला की लोकेशन। जी हाँ, गूगल मैप में कोई नहीं पता कर पाएगा कि रामलला की लोकेशन क्या है, राम मंदिर कहाँ बन रहा है। जी हाँ, जान लेते हैं पूरी जानकारी क्या है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए विराजमान रामलला का स्थान परिवर्तन भले अनिवार्य हो गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि व्यवस्था और अधिक कड़ा बनाने की तैयारी है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत अस्थाई मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद भी रामलला गूगल मैप में अदृश्य ही रहेंगे। इसके लिए शीघ्र ही गृह मंत्रालय की ओर से गूगल प्रबंधन को एडवाइजरी जारी की जाएगी। 5 जुलाई वर्ष 2005 को राम जन्मभूमि परिसर में लश्कर ए तैयबा के फिदायन दस्ते के हमले के बाद भी रामलला के गर्भगृह की लोकेशन को गूगल मैप से हटाया गया था। राम जन्मभूमि परिसर के पुलिस अधीक्षक सुरक्षा त्रिभुवननाथ त्रिपाठी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के सभी मानकों का पूरी दृढ़ता से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गूगल मैप से जीपीएस लोकेशन हटाने के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा जाएगा। इससे पहले रामलला के स्थान परिवर्तन के उपरांत आसपास के क्षेत्र एवं उनमें स्थित भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की भी फिर से समीक्षा की जा रही है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सुरक्षा यहाँ पे दी जा रही है रामलला को। और यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री करेंगे अस्थाई मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान का पूजा। नवरात्र करीब आते ही अयोध्या में रामलला को जन्मभूमि परिसर से अस्थाई मंदिर में स्थानांतरित करने की तैयारी तेज हो गई है। फाइबर के बने इस अस्थाई मंदिर में रामलला जन्मभूमि पर अस्थाई भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने तक विराजेंगे। इस अस्थाई मंदिर में रामलला के विराजमान होने पर प्राण प्रतिष्ठा का पहला पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 24 मार्च को अयोध्या पहुंचेंगे। उस दिन वे अयोध्या में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 25 मार्च को मुख्यमंत्री अस्थाई मंदिर में रामलला के विराजमान होने पर प्राण प्रतिष्ठा का पूजन करेंगे। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए दर्शन अवधि में 2 घंटे की वृद्धि कर दी गई है।